पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ताजमहल जिसको विश्व के अजूबों में शुमार किया गया, जिसकी सुरक्षा के दावे और वादे सरकार खूब करती है, लेकिन समय समय पर ताजमहल की सुरक्षा में सेंध लगाने से धार्मिक ठेकेदार बाज नहीं आते। ताजमहल में फिर सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए भगवा लहराया गया। देखिए रिपोर्ट। हिंदूवादी नेताओं ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल में भगवा झंडा लहराया। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की अभेद सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हिंदूवादी परिसर में दाखिल हुए। उन्होंने सेंट्रल टैंक के पास भगवा झंडा लहराया और शिव चालीसा का पाठ किया। हिंदूवादी नेताओं ने के पास भगवा झंडा लहराया। एफ और एएसआई के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मुख्य गुम्बद के सामने शिव चालीसा का पाठ और भगवा झंडा लहराने पर सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। हिंदूवादी नेता रौनक ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की गई और बाद में रिहा कर दिया गया। अब हिंदूवादी नेताओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक हिंदू जागरण मंच का युवा जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर है। इससे ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच के युवा जिला अध्यक्ष गौरव ठाकुर का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में करीब 5 बार ताजमहल के अंदर शिव आराधना की है, हर बार भगवा झंडा भी लहराया है। गौरव ठाकुर का ये भी दावा है कि ये प्राचीन इमारत आराध्य भगवान शिव का मंदिर है, ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। हिंदूवादी नेताओं का दावा है कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है। केंद्र सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए, इससे कथित ताजमहल की सच्चाई जनता के सामने आए। सनातन धर्म के इतिहास से छेड़छाड़ की गई हमारा शिव मंदिर है, जहां कई तरह के साक्ष्य मौजूद हैं। उन साक्ष्यों की पड़ताल के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रौनक ठाकुर का दावा है कि शाहजहां का बनाया गया ताजमहल किसी मोहब्बत की निशानी नहीं है, बल्कि हिंदू आस्था का केंद्र है, आराध्य भगवान शिव का प्राचीन स्थान है। हर बार ताजमहल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ की जिम्मे है। ताजमहल में प्रवेश से पहले पूर्वी और पश्चिमी गेट पर सीआईएसएफ के जवान चेकिंग करते हैं। इसके अंदर चला गया। ये ताजमहल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। आगा से नागिन त्यागी की रिपोर्ट, लाइव टू।